सकता, वे जनरल दिन पहले रोड पर केवल इलेक्शन से एक दिन पहले इनका मन से पूछो 25-25 लाख का बीमा उठा रहे हो, जो मरने जा रहे हो हॉस्पिटल 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। यहाँ हमारे सबके नाम काट दिए वोटरों के, चैलेंज करता हूँ चैलेंज, क्या वोटर खुद का नाम क्यों कटवाएगा? तुम लोग है ना घर पर रिश्तेदार आए ना उसको धीरे धीरे हिला देते हो। योजना बनाई है उसमें कीड़े निकले पेपर में बोला भी, कीड़े तो दूसरे सुनो ये बोले कि हमने काम किया है तो 100 लाठी को क्यों भगाया यहाँ से? जब सुनामी आती है ना सुनामी, तब वो जो उसके पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि 15-15 लाख खाते में डलेंगे, वो 15-15 लाख कौन से खाते में? अभी के गोदाम भर भर के बैठी है तो वो 16 कैसे बनेगा? वो से किस हिसाब से जीत रहे हैं, कोई गणित तो बताएंगे हम बताएंगे जीत कैसे रहेंगे? 100 में सांगरी विधानसभा में आज जानेंगे जनता की राय, कौन जीतेगा विधानसभा की सीट इस विधानसभा से? क्या लगता है कि आपको बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? देखिए इसमें लगने वाली तो कोई बात है नहीं, और आपको भी पता है सांगानेर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग रहते हैं, तो इसमें कोई दोहराई संशय तो करने की जरूरत ही नहीं है। हम अच्छे बहुमतों से जीत रहे हैं और आने वाले 3 तारीख को हम ये बता देंगे कि बहुत अच्छे बहुमतों से विजयी होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वोट पड़े वो विकास को पड़े या पार्टी के नाम पे पड़े? सबसे पहले मैं आपको 100 नंबर वार्ड की जमीन पे खड़े हुए गेटा नगर निगम राजीव चौधरी के क्षेत्र में आपको आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आई मुद्दे की बात विकास की, हमने विकास किया है, जहाँ खड़े हो वहाँ विकास है, जहाँ चलेंगे वह विकास है। हमने राजनीति धार्मिक में नहीं किए, न धार्मिक न भगवान को लाए न अस्तम पर लाए, हमने सिर्फ विकास के काम पे, और 3 तारीख को पता लग जाएगा कि कितने मतों से मैं पुष्पेंद्र भारद्वाज जीत रहा है। क्या कहीं ना कहीं वोट का प्रतिशत कम होता नजर आएगा आपको कांग्रेस का? क्योंकि देखा जाए तो अशोक जो विष्णु लाटा हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, सुरेश मिश्रा हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो क्या लगता है आपको? देखिए वोट प्रतिशत तो बढ़ना ही है क्योंकि अभी इनके लीडर थे कांग्रेस के, और अमूमन बढ़ना ही है वोट प्रतिशत। और जनता ने जिस रुझान से इस बार वोटिंग करी, आपने भी देखा होगा कि वो मतदान केंद्र पे लाइनें लगी रही शाम तक, और अच्छे मतों से हम विजयी होने वाले हैं, और आने वाली 3 तारीख को हम पूरे राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी की, और ये सब जनता देखेगी भी, और उस दिन एक जनता अच्छा देख चुकी, जनता देख चुकी विकास के अब रास्ता में खेलो उसने बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बन रही है 135 से अभाव क्या विकास 25 लाख आप हॉस्पिटल जाके दो रास्ता में। तो आप ये देखिए पुनीत जी विकास तो आप देखिए कि कितनी बार 19 बार युवाओं के साथ खिलाफ वादा खिलाफ हुई, 19 बार पेपर लीक करे आपने, महिलाओं पे अत्याचार करा, और सबसे बढ़िया बात आप 1 महीने पहले किसी समुदाय का व्यक्ति यहाँ मारा जाता है 50 लाख रुपए तुरंत दिए जाते हैं, नौकरी दी जाती है, क्यों ये हिंदुओं पे लागू नहीं होती? एक विचारधारा क्या कहना है कि महिलाओं पे अत्याचार है, इसके बारे में अत्याचार एमपी में नहीं हो रहा, उसमें नहीं बोलेंगे, दिल्ली में हो रहा, कर्नाटक में हो रहा, ये हमने जो पुलिस प्रशासन सुधारा ना उसका रिकॉर्ड आंकड़ा है, इनके पूछिए हमने सुधारा प्रशासन को, वे आंकड़े अत्याचार में दिखाए, नहीं कि अंदर पेटी करके चाबी में रख दिया, हमने अत्याचार एमपी में जो अत्याचार हो रहा है पूरी जनता को पता है कि आज राजस्थान में पुलिस के साथ इनकी जो कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है उसने कितना अत्याचार करा, मैं नहीं कह रहा, ये पूरी जनता कह रही है, जनता कह रही है, मैं कहने आप तो पूछ रहे हो, ये मेरे भाई गोपाल जी खड़े हैं, ये भाजपा नेता जी खड़े हैं, इनके आधार कार्ड देखो आप, इन्हें चिरंजीवी को लाभ ले रखे नहीं ले रखा, ये इलाज कराते हैं, खेलो साहब की स्कीम का फायदा उठाते हैं, चिरंजीव अनिल सिर बना इसका नाम चल रहा है, बाकी अस्पताल में जाके देखो 5 दवा लिखेंगे तो 2 दवा मिलेगी, बाकी मिलती है नहीं ये दवा। चिरंजीवी के बारे में आप क्या कहना? चिरंजीवी एक सार्वजनिक चीज है, ये थोड़ी ना कि एक बीजेपी और कांग्रेस के लिए जी की योजना थी केंद्र की, इसको चेंज करके नाम कई जो हमारी आ रही है योजनाओं को इनको चेंज करके कांग्रेस की देन नहीं है, ऐसे तो हमारे केंद्र की भी है, इनकी कह रहे हैं मतलब कांग्रेस की देन नहीं है ये। अच्छा किसकी देन है? ये श्रीमान ये सचमुच जनसेवा अशोक गहलोत जी, जो उन्होंने सुनो जो बाप का इलाज सुनो जो बाप का इलाज नहीं करा सकता वे जन नायक अशोक गहलोत 25 लाख रूपए इलाज करा रहे हैं। चर्चा सुझा
आप जो जनजी सुविधा कम से चल 1.5 महीने पहले लागू करी है, इससे पहले कहा नहीं थी? महात्मा गांधी है, आप जो भूमि में खड़े हो, बजट बजट नहीं है तो उनके इलाज कैसे हो रहा है? आप चेक करके दीजिए, आप चेक करिए कांग्रेस सरकार कितने कर्जे में है, आंकड़े आप देखे उठा करके। कांग्रेस सरकार ने इतना कर्जा कर रखा है, आने वाली सरकार हमारा नारा 2030 झुकाते परेशान हो जाएगी। 2030 पाँच साल कहा थे आप? 1.5 महीने पहले आप योजना लागू आज से पहले हॉस्पिटल में बजट खत्म। एक व्यक्ति के नाम से, इंदिरा के नाम से योजना लागू की, जबकि अनुपूर्णा के नाम से होना चाहिए। इनका कहना है कि सब आप यहाँ पर 100 नंबर वार्ड में खड़े हो, समय 100 नंबर वार्ड में देखो, आप सामने दिखाइए कैमरामैन को बोल के। 100 नंबर राजू चौधरी के नेतृत्व में एक बीजेपी गठबंधन का काम किया राजू चौधरी ने। चौधरी ने बात ये विकास की आप बात कर रहे हैं राजू चौधरी की, तो राजू चौधरी के यहाँ से 50 कदम दूर चलिए, क्या स्थिति है रोड की? कूड़ादान कर रखा है, 4 रुपए रोड बना, 4 रुपए विकास किया 8 दिन पहले रोड बना, केवल इलेक्शन से एक दिन पहले रोड बना है, 5 साल तो रोड ही खत्म था। सुनो, इनसे पूछो, मेरे भाई इनसे, गोपाल जी से, तुम्हारे रिश्तेदार का आधा खर्चे करो, चिरंजीव मरे आदमी से पूछो, जो माँ बाप के इलाज नहीं ग्रस्त थे इनके से मन से पूछो, 25-25 लाख का बीमा उठा रहे हो, जो मन ले जा रहे हॉस्पिटल उनका जीव से पूछिए। चाहता हूँ 25 लाख किसको दिया है, आज बता दे उसका नाम प्रणाम, क्या कह रहे हैं? 25 लाख किसको दिया? 25 लाख रुपए इनको गोचम बैठे के, 25 लाख रुपए दे रखे इनको इलाज कराने के लिए। आपने दिए योजना, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी ये कह रहे हैं कि 25 लाख दे दिए, अभी तो इम्प्लीमेंट योजना 3 दिसंबर को पता लग जाएगा के हालात है। 156 प्लस योजना दे देते, हमारे 156 प्लस में योजना दे देते हैं और धरातल पे उतरते नहीं है, और पहले योजनाएं दे देते हैं, योजनाओं के नाम पे इनका डब्बा गोल है, कोई पार्टी का, कोई कांग्रेस का, कोई अस्तित्व नहीं है, प्रशासन के पूरा इन्होंने बांध रखा है, अत्याचार चारों तरफ हो रखा है। आप मुझे बताओ, इन्होंने धार्मिक आस्था, इन्होंने भगवान को आके लेके वोट मांगे, इनको समझ इनको धिक्कार हो, अरे ठाकुर जी तो हम भी मानते हैं, ये तुम्हारा ठाकुर जी थोड़ी है, तुम बन गए राम भगवान, हम भी मानते हैं, खुल के क्यों नहीं आते? आप खुल के क्यों नहीं आते? धर्म पे क्या क्यों नहीं आते? धर्म की बातें करते हैं, कोई धर्म को इनको चुनाव में याद आते हैं? पहले कहाँ चले जाता है धर्म इनका? पहले धर्म कहाँ जाता है? जब तो ये डोकते नहीं, मंदिरों में जाते नहीं है, गुरुद्वारों में जाते नहीं है, फिर तो एक ही समुदाय में जाते हैं। प्रियंका गांधी को देखिए, आज मारा आपने छोड़ो, यहाँ पर अपने सब सामने मेरे भाई गोपाल जी खड़े हैं, 109 वार्ड के प्रत्याशी है, इनको 4 काम गिरा दो, क्या काम कराए? 4 काम तो गिना है, एक काम नहीं हुआ वार्ड नंबर 100 में, यहाँ जनता है और जनता हमेशा दुखी है, कोई काम नहीं। आप पूछो वार्ड 100 पे, आप विधानसभा पहले से सीसी रोड हुआ बना बना 64 में आके देख लीजिए, यहाँ हमारे सबके नाम काट दिए वोटरों के, जो मैं वोटर जो नाम काटे ना, इन्होंने कटे हैं, हम क्यों कटाएंगे? उल्टा आरोप चैलेंज करता हूँ, चैलेंज क्या वोटर खुद का नाम क्यों कटवाएगा? इन्होंने कटा है, पूछो इन्होंने, कांग्रेस के वोट इन्होंने कटा है, बेरोग की सरकार में भगत में, ये क्या शासन? यहाँ पर जनसेवा पुष्प भारत जीता है, जनसेवा पुष्प, अरे क्या आपने खुद ने नाम कटवाए? ये गलत है, हमारी कोई सरकार है कि जो हम बैठेंगे? ये तो जब खुद को सोचने की बात है, तुष्टीकरण की राजनीति आप यही देख ले, आपने डाल दिया वोटरों के, गवर्नमेंट हमारे कि बीजेपी विजयी नहीं हो जाए, तो हमारे विचारधारा के लोगों को इन्होंने वोट काटे हैं, और उल्टा आरोप हम पे गढ़ रहे हैं कि आप हमारी सरकार है, आपको पता है हमारी सरकार नहीं है ना, सरकार किसकी है, एम्प्लॉय किसके है? अरे गहलोत साहब, तुम लोग है ना, घर पर रिश्तेदार आए ना, उसको धीरे धीरे हिला देते हो ना, जनसेवक 8 रुपए इंदिरा गांधी रसोई खाने खाओ, भरपेट भरपेट योजना दी, आपने चेंज करा है, आपने चेंज करा, और वो भी कहां तक दे दी, आपने कब तक दे दिया? कभी आती है कभी नहीं आती है, साथ साथ बीमार रहते हैं लोग, तैयार रहते हैं, कब आ गई योजना? ये कह रहे हैं कि जो इंदिरा रसोई योजना है वो अनपूर्णा योजना थी हमारी, अनपूर्णा योजना है, हम चेंज कराए, हम परिवर्तन कराए, इन्होंने
नाम तो इन्होंने चेंज किया है, ऐसी योजना है इनको हम सब्सिडी देते हैं, गैस की सब्सिडी देते हैं, नौ साल पहले पेमेंट नहीं करते हैं राजस्थान में, संसद में आधार कार्ड को गलत बताया, आधार कार्ड सही इन लोगों के लिए। आपको मैं बता दूं इंदिरा योजना बनाई है उसमें कीड़े निकले पेपर में बोला भी, कीड़े तो चाय घर में रोटी कीड़े तो तुम्हारे घर पे मैसेज बना दूं, उसमें बता दूं गैस की योजना कोरोना टाइम में केंद्र से इतनी योजना है, आपने भी देखा होगा कि लाखों की तादाद में इन लोगों ने वैक्सीन खराब करी, कांग्रेस सरकार के राज में वैक्सीन नहीं लगी, भ्रष्टाचार करा ताकि बीजेपी कांग्रेस सरकार ने वैक्सीन खराब की, इनका कहना है कि डस्टबिन में मिली, डस्टबिन में। सुनो बहुत अच्छा मेरे भाई, मेरे साथी ने बहुत अच्छा वाला सब पूछा है, इंडिया में पता है वैक्सीन, इनको ये पता नहीं है घर में छुपे रही है, इनको पता है भीलवाड़ा मॉडल बना, मॉडल राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल है, जनसभा खुद खुद मोदी ने बोला है कि अशोक गहलोत जैसा पूरे इंडिया में मुख्यमंत्री है जो मॉडल भीलवाड़ा वैक्सीन इनको अभी आप देखिए मेरे युवा साथी है 19 बार पेपर लीक कराए, इन युवाओं के साथ खिलवाड़ कराए, पिछले युवा इस बार क्या कहना चाहेगी युवा, कांग्रेस की सरकार में युवाओं के खराब वादा हुआ है, हर राजस्थान में हर पेपर लीक हुआ है, परेशान है, ललायत है, हर एग्जाम दोबारा दोबारा कैंसिल कर युवा इस गवर्नमेंट से बहुत ही हताश और परेशान है, 19 बार इन्होंने पेपर आयोजित करवाए और 17 बार लीक किया गया उस पेपर को, तो आप सब समझ सकते हैं युवाओं के साथ कितना कुठाराघात हुआ बच्चे है। तो ये युवाओं ने अभी जो पूछे चेतवाल जी से पेपर लीक क्या नहीं हुए, एमपी नहीं हुए क्या, राजस्थान में हुआ, इस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की है राजस्थान में, तो इसके उत्तरदायी कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो इसलिए उनको ही जवाब देना पड़ेगा, इतना फर्क हमारे सुनो नए युवा खड़े स्टूडेंट है, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप। यह मैं 2018 से रीट की तैयारी कर रहा था, सेकंड ग्रेड की कर रहा था, सेकंड ग्रेड का इन्होंने पेपर आउट कर दिया, ये बोलते हैं कि ओनली जीके का ही पेपर आउट किया था, लेने वाले ने दोनों ही पेपर लिए थे, इन्होंने एक पेपर को आउट माना एक को नहीं माना, तो लेने वाला तो दोनों ही पेपर के पैसे दिए होंगे उसने, और रीट का पेपर भी 2-3 बार आउट हो गया, हमारे सपने चूर चूर हो गए, इन्होंने राजस्थान का जो बजट है ना ये मणिपुर का बजट है, इन्होंने बीजेपी वालों ने चुनाव खर्च कर दिया राजस्थान में आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात दूसरे अन्य स्टेट की बात की बात करो, अपने पहले खुद के घर की देखे, आप दूसरे के वालों से राजस्थान की बात करते सीधे भाग जाते हैं, एमपी ये बोलते हमने काम किया है अपने घर की समझो दूसरे की चिंता, सुनो ये बोले कि हमने काम किया है तो अशोक लाहोटी को क्यों भगाया, यहाँ से काम किया तो उसने क्यों भगाया, इसको भज्जाला को आलन लाल बोल रहे हैं, इसको सुरिंदरलाल बोल रहे हैं, को मदन लाल बोल रहे हैं, नाम पता नहीं बीजेपी वालों को, मैं आपको बता दूं ये तो लोग कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, ओछी मानसिकता रखते हैं कि साहब भजन लाल के दो इनको भजन करवाएंगे, भजन तो हम कराएंगे कांग्रेस सरकार, भजन कर लो भजन है उसको, भजन करो भजन हम कराएंगे। देखो आपको बता देता हूँ, जब सुनामी आती है ना सुनामी, तब वो जो उसके पहले जो तूफान आता है ये सारा वो सुनामी आने से पहले की बातें हैं और कुछ नहीं है, ये आपको 3 तारीख को पता लग जाएगा, जब इनसे मुद्दों की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं तो ये रामगंज की बात करते हैं, जब राजस्थान की बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो इनका कोई धड़ी धोरी नहीं है, ये तो भाई कौन पुष्पेंद्र भारद्वाज मोल शिक्षक होगा शिक्षक इनको इनका मोल शिक्षक क्या कहना चाहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधान ने ये बोला था कि 15-15 लाख खाते में डलेंगे, वो 15-15 लाख कौन से खाते में, अभी तक वो खाते में आए नहीं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए 15 लाख से ज्यादा तो हमने दे दिया है, योजनाएं हमने इतनी दी है और ये कह रहे हैं कि 15 लाख, हम तो यहाँ जनता ललायत है, आलू से सोना कैसे निकलेगा वो आज तक नहीं निकला है, तो उसमें भी बताया हमारे को कि आलू से सोना कैसे बनता है और वो गोडाउन कहाँ है वो सोने के, हम देखना चाहेंगे, रे जनता देखनी चाहेगी। अरे तुम तो आलू देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरे साथियों से, कांग्रेस साथी है मित्र है, कि जो आपके शहजादे आए थे उन्होंने ये कहा था आलू से हम सोना बनाएंगे,
तो ये जनता इतनी बैठी हुई है, ये सोने के सुनो ये आलुओं के गोदाम भर भर के बैठी है, तो वो सोना कैसे बनेगा? वो मेरे भाई मित्र सोन बना है, ये मैं यही डिबेट कर रहा हूँ। यदि ये 15,000 रुपए यदि मुझे वीडियो दिखा दे, ये बोला मोदी ने फेंकू ने फर्जी ने मोदी फर्जी। हम विकास की बात करते हैं, विकास की हम विकास की बात करते हैं। आज जनता जानती है कि पप्पू जो बातें करते हैं पप्पू वो सब जानते हैं। मोदी जी को फेंकू कहते हैं, मोदी जिंदा फेंकू कहते हैं, तो पप्पू क्या नाल करता है? आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि मोदी जी की सरकार और यहाँ पुष्पेंद्र सुनो अभी मेरे भाई क्या कह रहे हैं ये भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने लगाया है कि दिल्ली में मोदी यहाँ पुष्पेंद्र। अरे भाई इनसे पूछो लगाया तुमने असो लाहौटी हराना चाह रहे हैं, जो विधायक ने काम किया असो लाहौटी जी ने। सुनो मैं बता रहा हूँ, असो लाहौटी जी। अच्छा मैं आपको बता दूँ, हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी नहीं है, ना पहले कभी थी ना कभी होगी। ये सब तुष्टिकरण कांग्रेस करते हैं, आरोप प्रत्यारोप ये करते हैं। हमारी आज तक हमने कभी ऐसा मतभेद रखा नहीं है, पार्टी की विचारधारा एक साथ परिवार के साथ, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यहाँ भाई साहब हमारे मित्र है, कांग्रेस पार्टी बाजी अलग बात है, लेकिन यहाँ अपने पुष्पेंद्र भाई साहब ने बैनर लगाए, मेरे पास फोटो है मैं दिखा दूंगा, दिल्ली में नरेंद्र ये मोदी को फेंकू कह रहे हैं, खुद उनका सहारा लेके आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई साहब क्या ही तो शर्म करो, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सुनो ये भाई ने बोला हमारे कपूर भाई ने कि पुष्पेंद्र जी लगे, भाई हम तो जीत रहे हैं। अरे तुम विधायक से पूछिए भजनलाल लदनलाल जी क्या नाम उसका, मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे पता नहीं क्या नाम उसका। जनता के साथ हो रही है, ये कह रहे हैं भजनलाल जी से पूछिए, इनसे पूछिए, आप हमारे मित्र हैं छोटे भाई हैं, इनसे ये पूछिए, जब यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास अलॉट किया गया था, जब आपका पुष्पेंद्र कहाँ गया था? उस टाइम पे पुष्पेंद्र नई जनता के साथ था, हम बीजेपी वाले साथ थे, बजरंग दल वाले साथ थे, जनता हमारे साथ थी। जब एक बार भी अगर आप मुझे स्टेटमेंट दिखा दें, आप बता दें, ये बता दे भजनलाल जी ना, अल्पसंख्यक की बात अल्पसंख्यक छात्रावास की बात अल्पसंख्यक मालूम करना हो मुझे, हवा में तीर मारते हैं, नगर निगम में मालूम करके दे, हमने अल्पसंख्यक लेटर दे दिया है, हमने बोला है कि अल्पसंख्यक नहीं बनेगा, पर हमने लेटर दिया, ये हवा मारते हैं, जनता का विरोध है, जनता ने रुका है, तो जनता अल्पसंख्यक छात्रावास में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्पसंख्यक छात्रावास ये सबका छात्रावास है, स्पेशली एक जाति विशेष का ही नहीं है, ये अल्पसंख्यक जो भी जातियां आती हैं वो सबका है। बाकी अभी तक आपके पक्ष में हो विपक्ष में, हम पक्ष में हैं, क्यों नहीं है, बढ़नी चाहिए, बढ़ना चाहिए। हजाऊ जैसे हजाऊ वसुंधरा जी ने अलॉट की है जमीन, आज बनाई है ना, वो किसके टाइम पे बना था? हजाऊ बना नहीं है, जमीन तो अलॉट हुई है उसकी, कहाँ बना है? सब निरस्त है, आपको ये संज्ञान में नहीं है, आप पहले पूरा संज्ञान में रखे, आप पूरा विषय का पता होना चाहिए। मैं इनको आज हाउस का अलॉट करा, एक समुदाय को दिया, लेकिन उसका विरोध भी हम नहीं करा, भाई हमारे यहाँ नहीं बनना चाहिए, तो वैसे ही इनको भी विरोध करना चाहिए था। मैं पुनीत जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनको भी विरोध करना चाहिए था। उस टाइम पे पुष्पेंद्र कहाँ था मैं पूछना चाह रहा हूँ, या कांग्रेस सरकार के या कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ क्यों नहीं आए? सबसे आप वीडियो ये कह रहे नजर बंद, हम वीडियो बोले यदि तुम्हें पामंद के तो चोरे में आते ना, हम सबसे आगे नहीं है, सबसे आगे इनके पास वीडियो हो तो प्रूफ करे, मनीष जैन सबसे आगे रहा था तो हमारे पास वीडियो भी है, हमारे पास वीडियो भी है, पेपर की कटिंग भी है और जनता को पता भी है। विधानसभा मेरे भाई विधानसभा से लाहौटी जी विधायक थे ना, उस समय टेबल बजाते ना, बाहर आके टेबल क्यों बजाते हैं? उन्होंने विधानसभा में कई बार मुद्दे उठाए, 90 बार उन्होंने बोला है विधानसभा में इन सब चीजों को लेकर के, कांग्रेस सरकार हमें ये नहीं करने दे रही, तुष्टिकरण करते हैं, कोई काम करते हैं उनको ये रोक देते हैं, तो ऐसी तो इनकी ओनली 2-3 दिसंबर के दिन लोगों का मोबाइल बंद रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा।
पुष्पेंद्र भारद्वाज कहना चाहेंगे गवर्नमेंट बीजेपी बुलाएगी, गवर्नमेंट बीजेपी बुलाएगी। मैं गारंटी से कहता हूँ पुष्पेंद्र भारद्वाज जीतेगा पर गवर्नमेंट बीजेपी वसुंधरा बनाएगी। ये कह रहा है जनता, 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 जनता भी जोर लगा ले बीजेपी के अलावा कोई गवर्नमेंट जिंदा नहीं सकता। सामने से पूछो, सामने से कौन आ रहा है? तो सामने से ये कह रहे हैं सामने, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, मैं पहले बोल चुका, मैं पहले बोल चुका कभी जीतेगा पुष्पेंद्र यहाँ से, लेकिन ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ से पुष्पेंद्र जीत रहा है और गवर्नमेंट बीजेपी की। आंकड़े कोई भी कह सकता है कि जीत रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीत रही है और पूरी जनता उनके साथ। लगता है आपको कितनी सीटें आएंगी? दो मेरे को एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जीत रहे हैं, मैं मेरे साथी से ये पूछना चाहता हूँ किस हिसाब से जीत रहे हैं? कोई गणित तो बताएंगे, हम बताएंगे जीत कैसे रहेंगे इनका। सुनो करेंगे, सुनो मेरे को एक बार बताओ, पहले तो सबसे पहले ये कहते हैं हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया, तो क्या उसके दर्शन भी सैटेलाइट से करने पड़ेंगे या कहीं जनता को भी दिखेगा वो? इन्होंने हमारे मित्र बोल रहे हैं कि पुष्पेंद्र जी, अरे भाई हमने विकास किया, विकास घर का बच्चा ना, सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, हमने सैटेलाइट, हमने यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज, जब यहाँ पर 25 साल से हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी रहे, दादी जी पेंशन 5 महीने बंद हुए, 5 महीने हुए बंद, फ्री का राशन बांट रहे हैं वही उसमें आ रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। दादी जी तो तनखा बंद हो गई, फिंगर लगाने नहीं गए, यदि मुझे आप व्हाट्सएप करिए तनखा कैसे बंद कर सकते हो? इतना व्हाट्सएप है पुनीत जी, इनको व्हाट्सएप करेंगे तो इनका फोन हैंग हो जाएगा, ये कहाँ से देखेंगे? इतने लोगों की समस्या है, उन लोगों की समस्या। आज हम वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की करें, आप देखिए नरेंद्र मोदी की करें, चीनी भी देंगे हमारे देश की, मोदी जी ने जो गेहूं दिया है, राशन बढ़ाया है, वो आज तक पूरा बेच दिया, रेल को बेच दिया, बेच खाया, वाटर बेच खाया, चीज को बेच, किडनी बेच, किसको बेचा, क्या बेचा, एयरपोर्ट की बात करते बेच दिया, पहले शमशान, सुनो सुनो सबसे बड़ा हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दास कंसर होता है, अरे शर्म के मर के डूब जाओ, लड़की लकड़ियों पे जीएसटी लगा दिया, लकड़ियों में पहले केवल एक ही चीज का जवाब, ये लोग कहते हैं देश बेच दिया, अडानी को देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बेचे किससे लेकर के दिए? मैच में इंडिया को हरा दिया, मैच हरा दिया, मैच हरा दिया, बढ़ोतरी पहले किसके पास थे? पहले अगर के पास देश, जो आपने कहा देश, जो आपने कहा देश बेच दिया, उसके बाद में क्या रहे हिंदू धर्म में? आप एयरपोर्ट, सुनो एयरपोर्ट मेरी बात, अरे मैं क्या हिंदू धर्म में एयरपोर्ट की बात ऐसी है, विमान शास्त्री हमारे यहाँ का, लेकिन अभी एयरपोर्ट तो ये कहते हैं बेच दिए, पहले किसके पास थे? केवल इतना बताओ, हम कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दास संस्कार होता है, नौ मन की लकड़ी लगती है बाप माँ बाप मनने पर, उसमें जीएसटी लगा दिया, इससे मर के डूब जाएंगे, जो लकड़ी पे जीएसटी लगा सकता है वो पूरे देश को नहीं बेचेगा, उसने बेच दिया उसने मोदी ने। और जो हजारों करोड़ रुपए के अभी जो हाईवे बन रहे हैं, इतने आज से पहले सभी यहाँ जितने भी खड़े ना, सभी अपने अपने गाँव जाते हैं, आज से पहले कोई इतने बड़े हाईवे किसी ने देखे क्या हिंदुस्तान में? एक भी हाईवे का नाम बताओ। मानो ये जो सबके पास मोबाइल देखे ना, मोबाइल है, ये राजीव गांधी जी का जवाब नहीं है, जितने हाईवे में रोड बने उनके पास जवाब ही नहीं है, ये जवाब कहां से देंगे? ये कहते हैं हाईवे के बारे में। मैं आज से इनसे पूछना चाहता हूं मनीष जी से,
कि मनोज जी आप ये मुझे बताइए कि एयरपोर्ट पहले किसके पास थे, ये आप मुझे जवाब दीजिए, मैं फिर उसके बाद में आपको जवाब दूंगा। एयरपोर्ट सेंट अर्थी के पास थे, गवर्नमेंट के पास, उसको बेच खाए, रेल को बेच खाए। इनको यही पता नहीं है कि एयरपोर्ट किसके पास थे, एयरपोर्ट अमेरिकन कंपनी के पास थे, इनको यही पता नहीं है कि किसके पास है। और ये बात करते हैं देश की, देश बचाने की बात करते हैं। 2013 के बाद में कितने किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं अपने देश में, इससे पहले कितने बन रहा था जी? सबसे बड़ा मुद्दा एक बात बताओ, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा? मनोज जी ये इनसे क्या कह रहे हैं, ये तो इनके नेता ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सेंट्रल में नरेंद्र यहाँ पे, तो इसलिए वो सुनो तो इनके नेता खुले कह रहे हैं, ये इनका कहना है, कहना है ये, लेकिन इनके मंसूबे पाने फिर चुका है यहाँ तो। और सेंटर में आपको बताया कि क्या होगा, वो खुद कह चुके हैं। इनका मोदी जी को ही है, पर यहाँ भी चाहते सेंटर में चाहते हैं, चाहते तो कांग्रेस भी मोदी जी को है, पर यहाँ नहीं सेंटर में चाहते। क्या लगता है सीएम का चेहरा कौन लगता है आपको? अभी हमें कुछ नहीं कह सकते सीएम के चेहरे के लिए, अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक सीटें डिसाइड नहीं होती तब तक सीएम का चेहरा कौन। लग रहा है कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आने हैं वो किसकी पक्ष में जाए, बीजेपी के? जी मैं आपसे एक कहना चाहूंगा कि आज तक इन्होंने भारत माता की जय नहीं है बोली, आज बुलवाते हैं आप इनसे पक्ष में जाते हैं ये वोट। आज इनसे कह लो कि भारत माता दरबार के न्यूज के चैनल के माध्यम से चुनाव में जनता दरबार चला, जनता दरबार चैनल बुलाओ, कांग्रेस का चौथी बार सीएम अशोक गहलोत, इनसे पूछो तुम्हारे सीएम कौन है, नो कैंडिडेट बन रहे सीएम, फिर डिसाइड तो कर लो। माता की जय नहीं, एक ही बनेगा सीएम, तो देखो जो पार्टी जीतेगी वो एक ही बनाएगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सीएम कैंडिडेट जो सचिन पायलट, जिसको इन्होंने पिछली बार पिछली सरकार में जिसके नाम से वोट मांगे उसको धनी को पूरा साफ कर दिया, और अभी भी उसका कहीं नाम नहीं आने दे रहे। और अगले लगेगा क्या? नहीं नहीं यार, बताया किसने वसुंधरा को? वसुंधरा ने बताया था इसको, गहलोत को वसुंधरा ने बताया था, मैं किसी हालत में उसके काम चलाता था गहलोत। आपको दावा पेश करो, जनता दबा के नुच चलेगा बीजेपी, यदि 120 सीट आती है जब कैंडिडेट सीएम कांग्रेस का बनेगा क्या बता दो? खरीद विरोध में आगे, इसका मतलब कांग्रेस का ये कह रहे खरीद विरोध में आगे। अरे नाराज है, अरे आप देख लो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, अभी से ही ये ऐसा पहले से गोवा कर रखी है, एमपी गोवा किसे देगा? एमपी गोवा 20 करोड़ किसे देगा? 20 करोड़ चौथी बार सीएम जनसेवक अशोक गहलोत ये कह रहे हैं। 120 सीटें ये खुद दे रहे हैं, तो इसका मतलब राजस्थान में ये तो ये कह रहे हैं सचिन पायलट के नाम पे आपने वोट मांगे पिछली बार और बनाया गहलोत को, तो हमारा आला कमान तय करेगा ना, ये कौन होता है बीजेपी का आला कमान तय करेगा? ऐसे बीजेपी का आला कमान तय करेगा सीएम कौन करेगा? आप पुनी जी मैं आपको बता देता हूँ, जब पिछली बार पप्पू यहाँ आया और उन्होंने गिनती करी 1, 2, 3, 4 और 10 सभी किसानों का कर्जा माफ, वो किसानों ने आज इनको पता नहीं कितने लाख किसान लोगों ने हत्या करी है, आत्महत्या करी है, वो कर्जा कहाँ माफ हुआ? युवाओं का भत्ता देने की बात थी वो भत्ता आज तक नहीं आए, बेरोजगार मेरे युवा साथी घूम रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक युवा तैयारी 2018 से तैयारी कर रहा हूँ, 3 बार पेपर पोस्टपोन हो गया, अभी अक्टूबर में पेपर था उसको पोस्टपोन कर दिया, उससे पहले पेपर था उसको पोस्टपोन कर दिया, पेपर आउट कर दिया, बस ये अपने घर भरे जा रहे हैं, पेपर लीक करा के अपने घर भरे जा रहे हैं और तुष्टीकरण के। क्या कहना चाह रहे आप? क्या कह रहे हैं पानी के बारे में? कौन कह रहा है पानी के बिल आ रहे? पानी के बिल आ रहे? मैं कर रहा हूँ बिजली के बारे में, बिजली में भी कह रहे हैं यूनिट फ्री, कहाँ यूनिट फ्री, कहाँ है सारे यूनिट सब? एक दो महीने फ्री आई, फिर कोई फ्री नहीं आई बिजली। इस बड़े चैनल के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा, आज संपूर्ण दल मिलकर सभी को जातीय टुकड़ों में बांट रहे हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया कि मेरे लिए जातीय सिर्फ 4 ही है, गरीब, महिला, किसान और मेरे
रोजगार भाई जितने भी है, तो आप सभी को स्पष्ट हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी आज अगर संपूर्ण संसार में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो चाहती है वो क्या है, मेरे लिए सिर्फ जाति है, चार ही वर्ग है, इसके अलावा कोई वर्ग नहीं है। तो अगर हम युवाओं की जो सोच रखता है सर प्रमुख, वही पार्टी हमारे लिए प्रमुख है। एक चीज और जोड़ो, आज से पहले इसी चुनाव से पहले जो कांग्रेस ये कहती थी जात पर नहीं पात पर वोट मांगने वाली कांग्रेस, आज पूरे हिंदू समाज को, पूरी सनातन संस्कृति को जातिगत मतगणना का समर्थन करके उसको तोड़ना चाहती है, तो ये कहाँ की राजनीति है। और इसी के साथ में जिन स्टेटों में इंडिया की गवर्नमेंट यानी जो इंडिया उसमें गठबंधन में जो लोग हैं वो एक विशेष समुदाय को यानी अपन खुल के गए मुस्लिम समुदाय को 5-5, 4-4 लाख रुपए की खुली छूट दे रहे हैं, तो क्या राजस्थान में भी ऐसा तांडव करवाएंगे? राजस्थान में कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहां एमएलए क्वार्टर थे उस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको छोड़ रखा है, यहाँ से केवल 22 किलोमीटर दूर लोग किसी के मौत हो, चलो भाई इससे जनता की बौखलाहट है। मैं कह रहा हूँ कि विकास किया पुष्पेंद्र भारद्वाज ने, बता रहे वोट में कर बैठे आप के जी, अभी इनकी तुष्टिकरण देखिए, जहाँ बीजेपी विचारधारा के परिवार के लोग थे उनके वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, उनके वोट नहीं डले गए, यही राजस्थान में हम क्यों बताएंगे इनकी सरकार, इनका बीएलओ, इनका सब कुछ होते हुए नाम कटवाए हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार नहीं थी, बीएलओ इनके क्षेत्र में इन्होंने कटा है। सांगानेर विधानसभा में बीजेपी की ये बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी अपनी सीट निकाल रहे हैं इस बार, और ये बीजेपी का गठबंधन 20 साल से था वो ढहने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार ने 3 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उदयपुर दौरा था, उसके पीछे पीछे बोली झूठों को दो झूठों छुपाई खा जाती है, उसके पास 100 बीघा जमीन थी किसान की, अरे मर के डूब जाओ झूठों की पार्टी हो, खुद मोदी किसान को देखो ये गरीब की जमीन खा जाएगी, अरे ऊपर तो 100 बीघा जमीन निकली, तुम क्या दिखाने चाह रहे हो, जब किसान के इस पर पेपर में आया तब पता लगा इनको, जमीन को देखो भाई बहनो, मैं आपको बताऊँ की राजनीति करते हैं, आज आपको ये पता है पूरे भारतवर्ष में मोदी जी को कितना चाहते हैं लोग, जनता कितना चाहती है, एक ही बात का जवाब, क्या जात पर नहीं हाथ पर पैसा पैसा जी, केवल एक ही बात, जात पर नहीं पात पर वोट मांगने वाली कांग्रेस आज तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं में जातिगत मतगणना करवा रही है, मुसलमानों में क्यों नहीं करवा रही, कितने सिया कितने सुन्नी कितने बोहरा कितने ओमानिया इनके लिए क्यों नहीं कहती ये लोग, क्या यही इनके पूर्वज रह गए कांग्रेस विचारधारा। मैं आपको मेरे कपूर भाई बोला की हिंदू कांग्रेस मोमडन मुस्लिम समुदाय के वोट मांगती है, हिमाचल में क्या हुआ, जीरो पॉइंट मुस्लिम तो है ही नहीं, माँ तुम एक जाति के बोलते हो कांग्रेस वोट मांगती है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये मेरे सहयोगी हैं, मैं इनसे मनीष जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ही समुदाय को लेके क्यों चलती है, हिंदुओं को साथ क्यों नहीं लेके चलती है, मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं, आप भारत में रहते हैं ये क्यों नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पहले कभी मंदिर में भी नहीं चढ़ते थे, अब जैसे चुनाव आए तो सब मंदिरों में जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जने पहन रहे हैं, मंदिर अरे मंदिर में हमने बनाया तुम्हारा सत्ता साल पर उठे थे तो बाप दादा ने त्याग, सत्ता साल पर सत्ता पे त्याग उठे तो बाप दादा ने पूछो कांग्रेस दे रहे थे मंदिर बनाया तुम्हारा, घंटी जा तुम ले रहे हो जा तुम ले रहे हो मंदिर के लिए 8 साल कांग्रेस पार्टी के खड़े रहे, कौन सा मंदिर बना, राम मंदिर का गेट कौन खोला, राम मंदिर इस देश से इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है, पक्ष में खड़ा करा मैंने राम जी को जनता दरबार के माध्यम से मैंने बोला, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, इनके विकास की नहीं करेंगे, इनके विकास की नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, राम जी को काल्पनिक बताया इनकी पार्टी ने, 12 लीडर इन्होंने खड़े करे वकील श्री राम मंदिर के विपक्ष में, और ये कहते हैं कि हम राम जी के साथ हैं, राम जी के साथ हैं तो राम जी को आप साथ में क्यों नहीं लेके चलते, राम जी की सेना है ये, पूरे राम जी की सेना है ये, राम जी को सेना को क्यों नहीं साथ में लेके चलते हैं, क्या 16 वकील एक बार होली तो बीजेपी
नहीं केवल जवाब इसी चीज का, राम सभी के हैं ये सब मानते हैं ना, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी नहीं बोला, अभी नहीं बोला भाई साहब। इससे बढ़िया आपके सामने तुष्टिकरण का राज कुछ नहीं। जय सियाराम, जय सियाराम। अब सुनो, मैंने आपके जनता दरबार के माध्यम से बोला, ये सिर्फ धार्मिक भावना हाथ करना धर्म भाव, ये विकास बात निकली है। आपके मैं कैमरे मैन से कहना चाहूंगा, पीछे घुमा के देखिए तो यह रात हो जाएगी। मोदी जी ने कहा रे करे हैं, अगर मैं विकासों की बात करूंगा पुनजी दिन भी हो जाएगा। 25 साल एक किसान ने 25 साल बिताए रहा है, पीछे उठे कैमरे मैन से बोलूंगा ये लाइटें जलने वाली तो इसमें सोन नंबर पार्टी देन है, कांग्रेस पार्टी देन है, ये क्या बात कर रहे हैं, धर्म की बात की है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं इनकी देन है, आप पूछिए, आप पूछना, ये वार्ड नंबर 38 के ओम सिंह जी की देन है, ये मैंने लगवाई है, और ये जो जनता है ना इनके साथ मिलके हम वहाँ गए और निगम से हमने पास कराई है, आपको भी पता होगा ये निगम की देन है। इनको ये पता नहीं है, इनको हमारे इनको पता है, ये गौशाला से आगे जाते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं निगम कहाँ है, इनको ये पता नहीं है कि मुझे पार्टी ने जो दायित्व दिया है मैं पूरे राजस्थान घूमता हूँ, इनको अभी ये पता नहीं है मेरे विषय में। इनसे पूछो तो पार्टी है, इनसे पूछो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मैं विकास की सुनो, मेरा भाई प्रत्याशी, सुनो जब तुम्हें काम कराते ना तो तीसरे नंबर पे विकास क्यों नहीं हुआ, तीसरे नंबर पे नहीं मेरे भाई, इनको सब पता है, किया तो तीसरे नंबर ये भी पता है कि इन्होंने क्या क्या कह रहा है। एक विकास की बात, बीजेपी गवर्नमेंट जब केंद्र में थी तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली, उससे पहले गांवों में सड़कें नहीं थी ना भाई साहब, कह रहे कांग्रेस विकास के साथ है, तो बीजेपी ने गांव गांव तक सड़क पहुंचाई और उसके बाद में सरकार नहीं थी तो इन चीजों पर बीजेपी में वो पूछ लो उनके गांव में लाइट जब आई। आज प्रत्येक मेरे सहयोगी को कहूंगा कि आप अपने पसीने पूछ ले, ये जो पसीने आ रहे हैं ये बेईमानी के पसीने हैं, इनको आप साफ कर ले, और जनता सब देख रही है, आप इतना इतना चिंता ना करें, इतना चिंतित नहीं है, ये मेरे भाई पसीने, मेरे भाई प्रत्याशी है, और इनको पानी पिलाओ क्योंकि इनको पता है कि हमारे हाथ सामने है, हमारी सरकार नहीं बन रही है, तो मेरे भाई को ये कहूंगा मैं कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, थोड़ा सा अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।